चलें, चलाने वाले हैं रॉकेट, क्या बोलते हैं? सबने बोला क्रूज लो, क्रूज लो, और क्रूज ले आए फाइनली। सबसे जो लास्ट क्रूज जम्मू से बिकी है ये वो वाली क्रूज है गाइस। क्या बात है, ओ इसमें लद्दाख जाने का क्या मजा आता होगा। ओ एग्जॉस्ट चेंज करवाना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसी है अपनी पब्लिक, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया ही होने चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए, आप सब ठीक होने चाहिए। तो फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने कल भी ब्लॉग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो आज भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ज़रूरी काम था इसीलिए उठा हूँ, और उठा भी थोड़ा सा लेट हूँ। तो हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है, गला बैठ चुका है बुरी तरीके से एकदम से। आवाज़ आप सुन रहे होंगे, जो लास्ट व्लॉग मैंने डाला है वो भी बहुत मुश्किल से डाला था, चिल्ला चिल्ला के। जब मैं एडिट कर रहा था मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो सर में दर्द है, फीवर है, गले में दर्द है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो जाना ज़रूरी था, तो कल भी व्लॉग नहीं डाला उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं अगर आज का ये वाला व्लॉग आता है तो देख लेना। तो चलो चलते हैं। तो अपना ध्यान रखो अच्छे से, एक्चुअली में शायद मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से बीमार हो रहे हैं मेरे काफ़ी सारे दोस्त, अच्छे से नहीं है वो भी बीमार है मेरी तरह। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो चलो चलते हैं। पहले मुझे जाना है सीधा आमिर के पास, फिर आगे का बाद में बताऊँगा क्या करना है आज पूरा दिन, कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो फिलहाल मेरा ना हेलमेट में एकदम दम घुट रहा है आज, अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो उसके लिए माफ़ करना, ज़्यादा ज़ोर से मुझसे बोला नहीं जाएगा आज, इतनी बुरी हालत है ना। और दवाई वगैरह खाई है पर उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लगता है दोबारा से डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। मतलब थोड़ा सा भी अगर ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँ ना तो गले में दर्द स्टार्ट हो जाती है और आवाज़ एकदम टोटली चेंज हो चुकी है, आप सुन ही रहे हो अच्छे से कैसी हो गई है कैसी नहीं। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। सुबह इतनी ठंड लग रही है ना मुझे ना, मैं बिना जैकेट के, अगर दिन को कल धूप थी इतनी ज़्यादा और मैं जैकेट के बिना एक बार गया बाहर तो इतनी बुरी हालत हुई थी। वैसे कल गाड़ी में ही गया था तो व्लॉग शूट करने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, बिल्कुल कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ कि बाइक पे बैठ पाऊँ। बाइक को तो देखने का मन नहीं कर रहा था कल, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी मेरी। बैठ जा। सो गाइस, सबसे मुश्किल काम मुझे पता क्या लगता है, आरटीओ ऑफिस का। आरटीओ ऑफिस का या कहीं भी चले जाओ तुम, कहीं का भी पेपर वर्क हो तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगना चाहिए। और उससे ज़्यादा मुश्किल क्यों लगता है, अगर आप बीमार हो तो आपको खड़े होने की हिम्मत ना हो। तो मैं फ़िलहाल बैठ चुका हूँ, अभी पीछे चल रहा है पेपर वर्क, तो अभी गाड़ी हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। फाइनली गाइस, गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी, मजा आएगा आपको। बस अब जाते टाइम गाड़ी में जाएंगे, भैया को भी दिखा दे व्लॉग में, ये रही जिनसे हमने गाड़ी ली है। चलो बोलो भैया। तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिलहाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये रही गाड़ी आप सबके सामने है, अंदर से दिखा देता हूँ कैसी है कैसी नहीं, कुछ ऐसी आप सब जानते हो क्रूज गाड़ी कैसी होती है कैसी। तो भागती क्या है वो भी आप सबको पता ही है, एकदम मस्त है। तो फिलहाल अभी आए थे पिट स्टॉप, यहाँ से जाएंगे वापस। सबने बोला क्रूज लो, क्रूज लो, और क्रूज ले आए फाइनली। सबसे जो लास्ट क्रूज जम्मू से बिकी है ये वो वाली क्रूज है गाइस, बिल्कुल एकदम ऑसम, नेक्स्ट लेवल है। तो भाई लोग सुबह से घूम घूम के ना हालत हो चुकी है बहुत सारी बुरी, तो अभी टाइम है पार्टी शार्टी करने का, चलते चलते तो आज मजा आएगा। आज तो पूरा दिन मतलब क्या ही बताऊं कैसा निकला है कैसा नहीं, पर जो अभी आगे होने वाला है बहुत सारा मजा आने वाला है। तो आज हम चलाने वाले हैं रॉकेट, क्या बोलते हो? ओ भाई क्या बोलता है भाई, ओ इसका तो फील ही अलग है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, ओ इसमें लद्दाख जाने का क्या मजा आता होगा। रॉकेट मान लो या कुछ भी मान लो, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जो भी है ना चीज़ एकदम बवाल है। तो क्या बोलते हो,
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, इतना अच्छा फील कभी नहीं आया। ओहो जबरदस्त जबरदस्त। असना इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे हो, मैं आप खुद सोच लो, मैं भी थोड़ा, मेरी हाइट ठीक ठाक है और इसकी बाइक की इतनी ज़्यादा हाइट है, अगर मैं स्टैंड पे खड़ा रहूँ ना, मेरे पांव दोनों अच्छे से नहीं लग पाते हैं, मतलब एकदम एडवेंचर बाइक है। लद्दाख के लिए तो भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जहाज है भाई अपनी बाइक बोलेगी कि भाई सुबह से कहीं लगा के गया है बंदा, मेरा कहाँ गया, वापस नहीं आया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं वो सब आपको बता ही दिया है। तो गाड़ी के सिलसिले में थोड़े बहुत बिजी थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, तो अभी शाम को फ्री हुए हैं। तो भाई TRK चला के अब इस पर बैठ रहा हूँ ना, कुछ अजीब सा फील हो रहा है मन कर रहा है उधर ही जाऊँ अभी उठा के ले आऊँ। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज, और बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था। और बताना TRK आपको कैसी लगी कैसी नहीं, वाइट कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो उसे और भी ज़्यादा प्यारा बना देता है। बहुत कुछ आने वाला है नया, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, पर टाइम लगता है, अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो तो उसके लिए टाइम तो भाई देना पड़ता है ना, तो इसीलिए बस वेट करो, देखो होता है क्या क्या। तो अभी मुझे टायर वगैरह भी चेंज करवाने थे, आज मैं सोच रहा था कि आज फुल डे रेस्ट करूँगा, पर नहीं हो पाया, परसों पे रखा था ये सब कुछ, तो फिर आज ही करना पड़ा कुछ किसी रीज़न की वजह से, तो फटाफट जो था वो ख़त्म कर दिया। तो पहले मुझे अब दोबारा जाना है अपने डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर को मैंने कॉल कर दिया है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि आ जाओ मेरे पास, तो जाता हूँ पहले मैं डॉक्टर के पास, तो उनको बताता हूँ अपनी कंडीशन कैसी है कैसी नहीं। मुझे लिटरली यार आवाज़ नहीं निकल रही है मुँह से, इतनी बुरी हालत हो रही है, दुआ करो तुम्हारा भाई फटाफट ठीक हो जाए और उसी एनर्जी में आप सबसे बात कर पाए। हेलो कैसी है अपनी पब्लिक, वैसे देखो बहुत बुरी हालत है यार, अपना ध्यान रखें अच्छे से मज़े से। बहुत सारे भाई अपने बोल रहे थे कि भाई आप आजकल व्लॉग बहुत छोटे छोटे डाल रहे हो, 5 मिनट के 6 मिनट के, तो यार कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है ना, मैं मतलब जो पहले 3 दिन पहले जो व्लॉग डाले हैं वो भी मैंने बहुत मुश्किल से डाले हैं, मैं एकदम ठीक नहीं हो पा रहा हूँ अच्छे से प्रॉपर, तो इसलिए तो मन नहीं करता है कुछ ज़्यादा बोलने का या कुछ करने का, ज़्यादा दूर जाने का। तो कल भी इसीलिए मैं रेस्ट कर रहा था और आज फिर निकला हूँ कि यार नहीं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा अपनी पब्लिक को, तो इसीलिए बार बार यही बोल रहा हूँ कि यार अपना भी ध्यान रखें। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो बाहर का खाना पीना बंद करो, ठंड में मत घूमो, बाइक बिल्कुल भी ना चलाओ, तो बहुत सारी बातें बोली है कि शाम को बाइक पे मत जन निकलो, कुछ शाम को बाइक पे मत निकलो, सुबह मत निकलो। अब उनको कैसे समझाऊं कि सुबह और शाम को ना निकलें तो अपनी पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, अपनी बाइक पे ना बैठे तो बाइक और अपनी पब्लिक दोनों नाराज़ हो जाएंगे, तो जिसको मैं कर नहीं सकता नाराज़ बिल्कुल भी। पक्का अगर आज ठीक हो गया तो कल वाला व्लॉग एकदम धांसू होगा, तो वेट करना एक अच्छे से मस्त से व्लॉग का। तो ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, अच्छे से रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें, मिलता हूँ आपको एक अच्छी सी मस्त सी वीडियो के साथ। तो मैं शक्ल नहीं दिखा सकता अभी अपनी, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई, आंखें एकदम लाल, फेस एकदम उतरा हुआ। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ दोबारा से एक अच्छे से मस्त से दिन में, बाय बाय बाय।